अंबाला कैंट में बीजेपी का आलिशान और हाईटेक ऑफिस बनने जा रहा है। बीजेपी का दफ्तर अपने पुराने स्थान पर ही बनेगा। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देख चुका बीजेपी का ये मौजूदा दफ्तर काफी जर्जर अवस्था में पहुंच गया था और अब इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा खुद यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उठाया है। इस नए दफ्तर की आधारशिला रखने के लिए खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके बीजेपी के इस नए हाईटेक ऑफिस के लिए आधारशिला रखी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि ये हमारा बहुत पुराना दफ्तर है जिसके साथ उनकी कई भावनाएं जुड़ी हैं। ये दफ्तर गिर गया था जिसे दोबारा से बनाने के लिए इसकी आधारशिला रखी गई है। बहुत पुराना हमारा दफ्तर है और इसके साथ बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये दफ्तर गिर गया था और इसको दोबारा नए सिरे से बनाने की आज आधारशिला रखी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय बनने के बाद भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में प्रचंड जीत हासिल हुई थी और अब बीजेपी का अंबाला में नया दफ्तर बनने जा रहा है। चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में उत्साह से भरे कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने में बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराएगा और बीजेपी का विजय रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। प्रदेश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और सारे देश में थोड़े से टुकड़े में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होना रह गया, जल्दी वहां पर भी हो जाए। वहीं पंचकुला में चल रहे पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शामिल होने आई महिला खिलाड़ी ने ट्वीट करके आयोजकों पर अव्यवस्था और शौचालय तक की सुविधा उपलब्ध न करवाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में सफाई देते हुए खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसे आयोजन प्राइवेट एसोसिएशन और फेडरेशन करवाती रही है, इसलिए इंतजाम करना उनकी जिम्मेवारी होती है, इसमें खेल विभाग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जरूर कोई कदम उठाएगी। देखिए, ये जो खेल हो रहे हैं, ये जो उनकी एसोसिएशन है या फेडरेशन है वो करवा रही है, इससे खेल विभाग का कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका काम है और उनको ये सारी सुविधाएं करनी चाहिए। बतौर खेल मंत्री क्या एक्शन लिया जाएगा सर? नहीं, अब प्राइवेट एसोसिएशनें करवाती रहती हैं, उसमें सरकार का दखल वो बर्दाश्त नहीं करती। सत्य खबर के लिए अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।